हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। चलिए आज बनाते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। पनीर को इस तरीके से काट लिए हैं। पनीर को अब तल लेंगे। पनीर हमारी तल गई है, अब इसको निकाल लेंगे। चार बड़े प्याज ले लिए हैं, इसको काट लिए हैं, इसको उबाल लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, सीटी लगा देंगे। एक सीटी लगा दीजिए, प्याज हमारी गल जाएगी। चलिए तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। जो प्याज गली हुई थी उसको भी डाल देंगे। हींग डाल देंगे। सभी को मसाले को भून लेंगे। सभी मसाले अच्छी तरह से भून जाएगी। देखिए हमारी प्याज भून गई है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। एक बड़ा लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तीनों को डाल के भून देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक बड़ा चम्मच, मसाले हमारी भुंज गई हैं, जीरा पाउडर, सभी मसालों को अच्छी तरीके से भुंज लेंगे। देखिए फ्रेंड हमारी मसाले भुंज गई हैं, तेल छोड़ दिया। अब टमाटर इसमें डाल देंगे। तीन बड़े टमाटर ले लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें एक कटोरी मटर डाल देंगे। इसमें मटर पक जाएगी मसाले के साथ। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। दूध का मलाई दो चम्मच डाल देंगे। ताज़ा दूध का मलाई है, इसको भी डाल के मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया मसाला बना है। इस तरीके से आप पनीर की सब्ज़ी बनाएं और खाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी बनी है। प्याज को उबाल देने से प्याज दम सॉफ्ट हो जाती है और अच्छा बनती है सब्ज़ी। कम मेहनत में फटाफट पनीर की सब्ज़ी। अब इसमें पनीर डाल देंगे। सभी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए तेल छोड़ दिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे। डेढ़ कटोरी पानी डाल दिए हैं। सभी को अच्छी तरीके से मिला लिए हैं। अब इसको ढक के थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। देखिए हमारी पनीर बन गई है। धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी पनीर बन के तैयार है। इस तरीके से पनीर बनाइए और खाइए। कमेंट करके बताइए।